शादी से पहले ही दूल्हे की हुई हत्या, इलाके में सनसनी, मचा कोहराम, एक गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में शादी की सारी खुशियां उस वक्त काफूर हो गईं जब पहले मंगेतर ने अपने एक साथी की मदद से दूल्हा की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना उझानी क्षेत्र के गाँव नगला परसिया की है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के गाँव में एक युवक की पिता पुत्र ने हत्या कर सब जंगल में फेंक दिया। युवक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ युवक को खोजना शुरू किया तो युवक का शव जंगल से बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने गांव के ही दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। शुक्रवार की शाम कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला परसिया में कचरा चौकी के अमीरगंज निवासी मलखान उम्र 18 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण की चाकुओं से गोदकर दो लोगों ने हत्या कर युवक का शव जंगल में फेंक दिया। युवक जब शाम को घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को युवक की फिक्र हुई और परिजन ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे खोजने निकल पड़े। काफी तलाश करने के बाद मलखान का शव ग्राम ननाखेड़ा से 4 किलोमीटर कटरी जंगल में चाकुओं से गुदा पड़ा मिला। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर कचरा चौकी इंचार्ज ललित कुमार शर्मा व कोतवाली विनोद कुमार चाहर पहुंचे और सबको कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने गांव के ही जागेंद्र पुत्र नथू व विजेंद्र पुत्र जागेंद्र के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं विजेंद्र फरार हो गया। ग्रामीणों की माने तो मृतक मलखान की शादी फिलहाल में ही होने वाली थी। जिस लड़की से मलखान की शादी होने वाली थी उसकी पहले विजेंद्र पुत्र जोगेंद्र से शादी होने वाली थी। मलखान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हत्या आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नामजद एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।